अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा पैन बेक्ड पिज़्ज़ा। आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम इसे इजीली किस तरह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पतीली में भी घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने 2 कप भर कर मैदे के लिए हैं, मैदा जो है ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच चीनी का लिया है, ये पाउडर फॉर्म में हो, और इसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है। इसके साथ सबसे पहले हम जो है ये देखिए, ये मैंने इंस्टेंट यीस्ट ली है। इसको हम पहले 1/4 कप पानी में, समझ लें कि ये छोटी साइज़ की आपने एक प्याली लेके उसके अंदर ये गर्म पानी में यीस्ट को घोल लें, 1 चम्मच को इसको अच्छे से घोल लें। इसके जी दोस्तों, ये मैंने तकरीबन 1/2 प्याली पानी के अंदर अपना यीस्ट घोल लिया है। इसके साथ ऐसे हम साइड में करेंगे। अब ये देखें, ये मेरा जो है मैदा, इसको मैं इसमें नमक और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की है, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे नीम गरम पानी से अच्छे से गूंद लेंगे। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल, इसके साथ ही अब हम इसे पानी डाल के अच्छा सा गूंद लेंगे। नीम गरम पानी से गूंदिएगा, ख्याल कीजिएगा जी। फ्रेंड्स देखिए, हमारा आटा तकरीबन तैयार है। अब हम इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट तक गूंदेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप खुश्की डाल लीजिए, वैसे तो ये इजीली गूंद जाएगा। इसमें मैंने यीस्ट भी मिला दिया था, अब इसको अच्छे से हमने गूंदना है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे करके 2 से 3 मिनट के लिए गूंदेंगे। कवर करके रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से राइज हो जाए। जी दोस्तों, हमारी डो को रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है। इसके दौरान मैंने एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस बनाया। ये मैंने केचप से बनाया है, जो साशे होते हैं उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, ज़रा सा सॉल्ट और ओरिगानो डाल के ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया। इसके अलावा वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, ये सब जूलियन में आप काट लें। और इसके अलावा ये मैंने शिमला मिर्च ली है और बेल पेपर है, ये लाल शिमला मिर्च जो होती है वो है, अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। इसके अलावा मैंने मोजरेला चीज़ ली है, ये मोजरेला चीज़ है, इसको पिज़्ज़ा चीज़ भी कहते हैं, ये ली है मैंने। और मुझे चेडर चीज़ पसंद है तो मैंने चेडर चीज़ ली है। चिकन मैंने एक ब्रेस्ट पीस लेकर उसको थोड़ा सा तिक्का मसाला और क्रीम के साथ मैरिनेट करके और साथ 2 चम्मचे मैंने ऑलिव ऑयल के डाल के इसको पका लिया था। जब ये मेरी चिकन गल गई तो मैंने इसे पीसेस में कर लिया, साथ ही ओरिगानो है। पिज़्ज़ा डो भी राइस हो गई है। इसके हम इजीली 2 से 3 पिज़्ज़ा बना सकते हैं, मीडियम साइज़ के 3 और लार्ज साइज़ के 2। इसके अलावा ये जो मैंने पैन लिया है, जो ट्रे है जिसके अंदर मैं पिज़्ज़ा बेक करूँगी, ये आप कोशिश कीजिएगा इस तरह एजिस वाली हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके ये आप पैन देख सकते हैं, मैंने इसमें नमक डाला है, नीचे थोड़ी सी थिन लेयर बनाई है और इसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है, क्योंकि हमने अपनी पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा की जो ट्रे है वो थोड़ी ऊपर करके रखनी है, वरना पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर अपनी ये प्लेट रखूँगी पिज़्ज़ा वाली, और फिर उसके बाद हम इसे बेक करेंगे कवर करके। पहले हम इसे प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा डालेंगे। अब मैं आपको फाइनल प्रिपरेशन दिखाती हूँ।
जी दोस्तों, आपने देखा मैंने किस तरह से पिज़्ज़ा जो है उसको तैयार किया है बेक होने के लिए। ये मैंने प्रीहीट किए हुई है पतीली 10 मिनट से। अब हम इसमें आराम से अपना पिज़्ज़ा रखेंगे, इसको कवर करेंगे। अब हम इसे 35 से 40 मिनट इसके अंदर लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैं आपको